नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लूमिनस का GLU 1100 इन्वर्टर के बारे में कि इस इन्वर्टर पर आप कितना लोड चला सकते हैं और आपको यह इन्वर्टर कितना बैकअप निकाल के देता है और आपको इसमें कौन कौन से स्विच देखने को मिलते हैं व आपको इसमें कौन कौन सी मजबूती देखने को मिलती है। आज हम इन्वर्टर के बारे में हर एक जानकारी जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको हर एक जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको इस इन्वर्टर में कौन कौन से स्विच देखने को मिलते हैं। आपको इस इन्वर्टर में आगे की तरफ एक मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है। आप इस डिस्प्ले से यह पता कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर चार्ज हो रहा है या नहीं, या आपके इन्वर्टर में कितनी बैटरी बची हुई है। और साथ ही आपको ये भी शो करेगा कि अगर आप इस पर जैसे कि जितना लोड चलाते हैं तो ये आपको कितना बैकअप निकाल के देता है, यानी कि आपको कितने घंटे का बैकअप निकाल के देगा, ये आपको डिस्प्ले में शो होता है। और आपको इसकी दूसरी साइड इन्वर्टर को ऑन व ऑफ करने वाला स्विच भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलता है। चलिए तो हम जानते हैं कि आपको पीछे की तरफ कौन कौन से स्विच देखने को मिलते हैं। हम आपको मेन स्विचों के बारे में बताएंगे जिसकी आपको अधिक से अधिक ज़रूरत होती है। आपको पीछे की तरफ मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की MCB देखने को मिलती है। MCB का काम ये होता है कि अगर आपके इन्वर्टर पर अधिक से अधिक लोड चलाया जा रहा है, अगर आप जैसे कि आप अपने इन्वर्टर पर अधिक से अधिक लोड चलाते हैं तो MCB नीचे गिर जाती है। अगर आपका इन्वर्टर किसी कार्ड पर अधिक बिजली दे रहा है तो वह भी MCB इस कार्डों में नीचे गिर जाती है, यानी आपको उपकरणों से खराब होने से बचाती है MCB। और आपको पीछे की तरफ मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की आउटपुट भी स्विच मजबूत देखने को मिलती है, जो काफ़ी मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस पर अधिक लोड चलाते हैं तो इसका जलने फूकने का कम से कम खतरा देखने को मिलता है। वहीं आपको चार्जिंग करने वाली जो मेन स्विच होती है K1, वो भी आपको मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। और अगर आपको बैटरी में कनेक्ट करने वाली वायर भी आपको काफ़ी मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती है, जो आपको कॉपर के तार से देखने को मिलेंगी। आपको पीछे की तरफ मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी का फैन भी देखने को मिलता है। फैन का काम ये होता है कि आपका इन्वर्टर जब चलता है तो वह गर्म होता है, तो जिसके लिए फैन चलता है तो फैन की वजह से आपका इन्वर्टर हमेशा ठंडा रहता है और जलने फूकने का कम से कम खतरा आपके इन्वर्टर को देखने को मिलता है। चलिए तो हम जानते हैं कि आपको इस इन्वर्टर के लिए कितने AH की बैटरी लेना चाहिए। आप इस इन्वर्टर के लिए 150 AH या 200 AH की बैटरी ले सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि आप इस इन्वर्टर पर कितना लोड चला सकते हैं व आपको यह कितना बैकअप निकाल के देता है, यानी कि आपको 150 AH बैटरी पर कितना बैकअप निकाल के देगा व 200 AH बैटरी पर आपको कितना बैकअप निकाल के देगा। चलिए तो हम जानते हैं कि आप इस इन्वर्टर पर कितना लोड चला सकते हैं, यानी कितने वाट तक का लोड आप चला सकते हैं। आप इस इन्वर्टर पर 565 वाट तक का लोड बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। अगर हम बात करें 150 AH बैटरी पर बैकअप की, अगर आप इसमें जैसे कि 565 वाट में से अगर आप 250 वाट या 250 वाट से थोड़ा ज़्यादा भी यूज करते हैं, यानी 50% आप अगर लोड चलाते हैं 150 AH बैटरी पर, तो ये आपको 3 से 3.5 और 4 घंटे तक का बैकअप निकाल के बड़ी आसानी से दे देगा। अगर बात करें हम 200 AH बैटरी की, तो 200 AH बैटरी पर अगर आप आधा लोड चलाते हैं, जैसे कि आप 250 वाट या 250 वाट से थोड़ा ज़्यादा लोड चलाते हैं, तो ये आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप बड़ी आसानी से निकाल के देता है। अगर हम बात करें कि आप इस पर फुल लोड चलाते हैं तो ये आपको कितना बैकअप निकाल के देगा, अगर आप इस पर फुल लोड चलाते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे का बैकअप निकाल के देगा 150 AH बैटरी पर। अगर आप इस पर 200 AH बैटरी लगाते हैं और फुल लोड चलाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप बड़ी आसानी से निकाल के दे देगा। अगर आप अपने घर के छोटे बड़े उपकरण चलाते हैं, जैसे TV या 4 से 5 LED बल्ब और एक लैपटॉप वगैरह और थोड़ा और 1-2 पंखे चलाते हैं, तो ये आपको बड़ी ही आसानी से 5 से 6 घंटे का बैकअप निकाल के दे देगा 150 AH बैटरी पर। अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं यानी बाय करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में यह 6,000 से 6,200 रुपये के लगभग देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवाना चाहते हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आपको अभी की डेट में 6,200 रुपये के लगभग देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफर के टाइम पर खरीदते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये के सस्ता भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।